हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिचिका, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज, जो कि हमारी नवंबर मंथ की चल रही है। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपकी मॉर्निंग एकदम हैप्पी हैप्पी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लेसन देख रहे थे। 6 क्वेश्चंस कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग प्रीवियस लेसन भी नहीं देखे हो तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो चलिए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम से रिलेटेड है। इसमें आपको करेक्ट बतानी है। यहाँ पे अगर हम लोग ग्लोबल स्नो लेपर्ड और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम की बात करें, तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसका एम है कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड को यहाँ पे कंजर्व करना है, वो भी ब्रॉडर कंटेक्स्ट में, और इसमें वैल्यूएबल हाई माउंटेन इकोसिस्टम को कंजर्व करके। सेकेंड है कि स्नो लेपर्ड की जो रेंज कंट्रीज़ है वो यहाँ पर साइन की है बिस्किक डिक्लेरेशन, जो कि यहाँ पे जितनी भी इसकी गोल है उसको यहाँ पे वॉक किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है कि एवरी ईयर इंडिया जो है वो इसको होस्ट करती है, और ये जो मीट करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के एजेंसीज़ के अंडर में इसकी मीटिंग होती है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी आपकी, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसकी डिटेल। जो GSLEP है, यानी कि जो ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, ये सच में वर्ल्ड की फर्स्ट जॉइंट इनिशिएटिव है, जो कि स्नो लेपर्ड को यहाँ पे कंजर्व करने की बात की जा रही है। साथ ही जो माउंटेनस आपकी इन्वायरमेंट है उसको भी यहाँ पे कंजर्व करना है। इसमें अगर बात करें तो 12 रेंज कंट्री गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंटल है, और साथ ही इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, कुछ लोकल कम्युनिटीज़ भी है, प्राइवेट सेक्टर्स भी है इसमें। 2013 की बात करें तो 12 यहाँ पे स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ है, पार्टनर्स है, जो कि इस तरीके के बिशेक जो आपका बिश्केक डिक्लेरेशन थी उसको साइन करी थी और एग्री की थी जितनी भी गोल है उसको 7 इयर्स में यहाँ पे कंप्लीट करना है, वो भी 2020 तक। स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ की बात करें तो वो यहाँ पे अग्री करती है, साथ ही सपोर्ट भी किया गया था बहुत सारे स्टेक होल्डर और इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फोर्थ यहाँ पे स्टेयरिंग कमेटी है, जो कि मीटिंग करती है इस तरीके के प्रोग्राम का, और वो रिसेंटली यहाँ पे न्यू दिल्ली में हुआ था, जहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री प्रकाश जावेदकर जो है उस तरीके से नेशनल प्रोटोकॉल को वो लॉन्च किए थे। ये फर्स्ट टाइम था जो कि इंडिया इसको होस्ट करी, हर एक साल इंडिया होस्ट नहीं करती, तो ये फर्स्ट टाइम था। ओके, तो इस तरीके के स्टेटमेंट को आप ईजिली जो है रिमूव कर सकते हो। कोई भी ऐसा आप नहीं देख सकते हो कि वर्ल्ड लेवल की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और उसको इंडिया ही हर एक साल जो है यहाँ पे आपकी लॉन्च करे, तो ऐसा स्टेटमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा वेग होती है। आप इन सारे स्टेटमेंट को अपने IQ के थ्रू जो है उसको आप लोग हटा सकते हो। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, जो कि अगेन स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है। तो स्नो लेपर्ड के ऊपर हम लोग इन्वायरमेंट में पूरी डिटेल देखे थे आर्टिकल, तो उसी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि स्नो लेपर्ड जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड है कि अगर इंडिया में बात करें तो स्नो लेपर्ड की जो हैबिटेट है वो यहाँ पे नॉर्दर्न हिमालय माउंटेन में है, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। थर्ड है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पे सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट को लॉन्च की थी, वो भी यहाँ पे स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इट मीन्स कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। स्नो लेपर्ड जो है ये आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ये वल्नरेबल है। ओके, इसकी स्टेटस आपको याद रखना होगा। इंडिया की बात करें तो स्नो लेपर्ड जो है जहाँ पे भी आपका नॉर्दर्न हिमालय माउंटेन है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इस स्टेट में पाई जाती है। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सिक्योर हिमालय को लॉन्च की थी, एक 6 ईयर प्रोजेक्ट है जिसमें कि जितने भी लोकली और ग्लोबली जो हमारी इकोसिस्टम है हिमालयन इकोसिस्टम की, जो भी 4 स्टेट में जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम, उसको यहाँ पे कंजर्व करना है। ये उस समय लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री, जो कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के साथ ही यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के एसोसिएशन के साथ। जो स्नो लेपर्ड की यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात की जाती है और दूसरे इंडेंजर्ड स्पीसीज की उनके हैबिटेट की, ये वन ऑफ द की कंपोनेंट है प्रोजेक्ट की, जो कि यहाँ पे फोकस करती है कि किस तरीके से लाइवलीहुड, जो लोगों की लाइवलीहुड है उसको सिक्योर करना है इस रीजन में और इन्हांस करना है कुछ इन्फोर्समेंट जिसके थ्रू वाइल्ड लाइफ क्राइम को हम लोग यहाँ पे कम कर सके। ओके, तो ये डिटेल आपकी इन्फॉर्मेशन रही स्नो लेपर्ड के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारी ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड। यहाँ पे भी आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो यहाँ पे आपका क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इसको सेटअप किया गया था, जिसमें कि जितनी भी फंडिंग चैनल है डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ में उसको देखा जाएगा और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे अलाउ की जाएगी।
सेकेंड है कि जो फंड्स की इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आपका ग्रांट, लोन, इक्विटी और गारंटी के फॉर्म में होगा। थर्ड है कि जब यहाँ पे आपकी पेरिस एग्रीमेंट रीच हुई थी 2015 में, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी कि इस एग्रीमेंट को यहाँ पे आपका सपोर्ट किया जाए, इस एग्रीमेंट को यहाँ पे सर्व किया जाता और जितने भी क्लाइमेट चेंज के जितने भी गोल है उसको सपोर्ट किया गया था, जो कि यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना था। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी, इट मीन्स कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करें तो ये आपकी 194 कंट्रीज़ के साथ जो है सेटअप किया गया था, जो भी पार्टीज यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर है 2010 में, तब किया गया था। ये आपकी कन्वेंशंस फिनेंशियल मैकेनिज्म की पार्ट है। इसका एम है कि हमें इक्वल अमाउंट में जो फंडिंग है उसको डिलीवर करना है मिटिगेट और अडेप्टेशन करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे गाइड भी करना है हम लोग को कन्वेंशन प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस को। जब यहाँ पे आपकी पेरिस एग्रीमेंट लॉन्च हुई थी 2015 में, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो थी ना वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इस तरीके के एग्रीमेंट को सर्व करने में और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी गोल थे उसको यहाँ पे सपोर्ट करने में। जो फंड है वो यहाँ पे पर्टिकुलर अटेंशन पे कर रही थी कि क्या सोसाइटी की ज़रूरत है वो यहाँ पे देखना है। ओके, जो फंड की इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे आपका ग्रांट, लोन और इक्विटी और गारंटी के फॉर्म में ही थी। ओके, अब आते हैं 10 क्वेश्चन नंबर में, जो कि है आपका ससेप से रिलेटेड, इट मीन्स कि साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इससे भी आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है एक तरीके का आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का आर्म है, जो कि प्रमोट और सपोर्ट करती है कि यहाँ पे जितने भी इन्वायरमेंट की जो भी चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, मैनेज करना है। ससेप की बात करें तो ये नेशनल गवर्नमेंट एफर्ट्स को भी सपोर्ट करती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इसके मेंबर है। तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी, इट मीन्स कि सेकेंड एंड थर्ड। ओके, अब डिटेल देख लेते हैं। साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1982 में इस्टेब्लिश की गई थी साउथ एशिया के गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पे आपकी जो भी इन्वायरमेंट है इस रीजन में उसको प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है और मैनेज भी करनी है। ससेप की अगर मेंबर कंट्री की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ओके, तो इतनी कंट्रीज़ की नाम याद करनी है, इंडिया भी इसकी पार्ट है। जब से ये बनी है तो ससेप जो है काफ़ी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट को, प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट की है, वो भी इन्वायरमेंट एजुकेशन के एरिया में, इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन, बायोडाइवर्सिटी, एयर पॉल्यूशन प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट जो भी कोस्टल इन्वायरमेंट की करनी है। ससेप की जो आप देखोगे तो ये सेक्रेटेरिएट है साउथ एशियन सी प्रोग्राम की भी, जो माले डिक्लेरेशन है कि यहाँ पे आपके एयर पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, साथ ही यहाँ पे ट्रांस बाउंड्री जो इफेक्ट है साउथ एशिया की वो भी एक अनदर सिग्निफिकेंट एफर्ट्स है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन को इंक्रेज करती है कि वो ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम को यहाँ पर टैकल करें। ओके, तो ससेप एक दूसरा आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में आपको याद रखनी है। ओके, अब आते हैं 11 क्वेश्चन नंबर में, यहाँ पे आपको बताना है कि गामोसा एक ही यूबीक्यूटस है वाइट कॉटन टॉवल वुमेन है, जिसमें कि आपका इंडेंजर टर्टल्स की इमेजेस होती है, ये एक तरीके का मैसेज ऑफ कंजर्वेशंस को स्प्रेड करती है। तो ये किस स्टेट से आपका बिलोंग करती है, आसाम, मणिपुर, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसकी करेक्ट आंसर ए, इट मीन्स कि आसाम। तो गामोसा आपको याद रखना है एक वाइट इंडेंजर्ड आपकी टर्टल है, जो कि एक तरीके का स्प्रेड यहाँ पर आपकी मैसेज को स्प्रेड करती है। ओके, अब सेकेंड 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जो कि है आपके यहाँ पे बैम्बूओमिक्स से रिलेटेड। तो बैम्बूओमिक्स है क्या, बैम्बू प्लांटेशंस, अर्बन एरिया में बैम्बू प्लांटेशन करना है जिसके थ्रू हम लोग सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पाएंगे और पॉल्यूशन फ्री क्लीन एयर होगी। सेकेंड है कि हम लोग को बैम्बू को प्रमोट करना है एक अल्टरनेटिव, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। थर्ड है कि हम लोग को बैम्बू प्लांटेशन को इंकरेज करनी है फार्मर्स के द्वारा, वो भी प्राइवेट लैंड में। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक मूवमेंट है जो कि हम लोग डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज को भी। तो बैम्बूओमिक्स है क्या ये देखते हैं, तो ये है डी, इट मीन्स कि एक तरीके का मूवमेंट है जिसमें कि हम लोग डेजर्टिफिकेशन को हटाएंगे, कॉम्बैट करेंगे और क्लाइमेट चेंज को भी। बैम्बूओमिक्स एक तरीके के मूवमेंट है। ओके, जो कि यहाँ पे आपकी ट्राइबल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है और एक एक्सपर्टाइज है इस फील्ड में, और जो मूवमेंट है वो यहाँ पे इंश्योर करती है कि जो भी ट्राइबल है वो यहाँ पे अपनी लाइवलीहुड के लिए अर्न कर सकते बिना इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाए हुए। ये आपका जो है लॉन्च किया गया था COP14 में, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के। ओके, तो ये आपकी COP14 हुई थी और ये आपका ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, तो इसमें आपको जो है बैम्बूओमिक्स निकल कर आया था। तो इस तरीके की टर्म्स जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछ ली जाती है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। ओके,
सो गाइज यहाँ पे हमारी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की लेसन कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम। ओके, साथ ही साथ आपको कभी कभी यहाँ पे स्टैटिक्स पोर्शंस की भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप लोग सॉल्व करते जाइए। दोनों आप लोग के लिए ज़रूरी है, जितना करेंट जरूरी है उतनी ही आपके स्टैटिक भी ज़रूरी है। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतनी ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और आपको PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए रिसोर्स पॉइंट के नाम से। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट करे सजेशन से तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।